मंजूबाला यादव एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज कोटा. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. स्वतंत्रता की कोटी किसे कहते हैं? तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है और हमसे पूछा जाए कि स्पेस में उसकी पोजीशन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कमरे में फैन चल रहा है उसका एग्जाम्पल लें, तो उस फैन की पोजिशन क्या होगी? तो उसको हम x, y और z एक्सिस की मदद से हम उसकी पोजीशन के बारे में बता सकते हैं. तो इसी प्रकार से हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स में भी उनकी अगर हमको पोजीशन बतानी है, उनका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितनी उनकी स्वतंत्रता की कोटी है, ये हम बताने के लिए जो है इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन क्या देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को. तो इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज और कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी इन स्पेस. इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज या कोऑर्डिनेट्स, जो न्यूनतम संख्या हमको निर्देशांकों की चाहिए किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए स्पेस में, उसे हम उसकी स्वतंत्रता की कोटी बोलेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो एक सिंगल लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? DOF क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटी, वह एक हो जाएगी. पर अगर हमारा पार्टिकल किस में है? प्लेन में है, तो हमको वहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए उसकी स्थिति को बताने के लिए, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी, है ना. और अब अगर हमारा जो पार्टिकल है वो स्पेस में है, किसी वॉल्यूम में है, तो वहाँ पर हमको उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे उसकी स्थिति को बताने के लिए, पोजीशन को बताने के लिए. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. ठीक है बच्चों, अब हम इसको इस अप्लाई करें गैसियस मॉलिक्यूल्स और एटम्स के ऊपर. तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल केस लें मोनो एटॉमिक गैस का, जैसे कि हमारी ज़ेनॉन, हीलियम और रेडॉन गैसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं. तो इसमें जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है? 3 है. और वो तीनों क्या होंगी? ट्रांसलेशनल होंगी. ठीक है, मतलब वो जो है x, y और z एक्सिस पे जो है एटम जो है मूव कर सकता है, तो उसकी 3 ट्रांसलेशनल मोशन होगा. ठीक है बच्चों, इससे पहले हम एक चीज़ और बताएं आपको कि जब भी गैसेस मॉलिक्यूल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर कोई एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल या एटम जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या होता है? उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है? मोशन पैदा हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन. तो इस प्रकार से हमारे 3 मोशन हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन. तो जितनी एनर्जी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है उस हिसाब से उसमें मोशन होगा. अगर हम कम क्वांटिटी में एनर्जी दे रहे हैं तो सिर्फ रोटेशनल मोशन होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो साथ में मतलब वाइब्रेशनल मोशन होगा और उसके साथ में रोटेशनल मोशन होगा, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो अब हम कह रहे हैं कि मोनो एटॉमिक गैस में तो बस क्या होगा? ट्रांसलेशनल मोशन होगा, इसलिए उसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है. अब बच्चों, अगर हम कोई मॉलिक्यूल ले रहे हैं, गैसियस मॉलिक्यूल, जिसमें कि n एटम्स हैं, एटम्स की संख्या क्या है, कितनी है उसमें? n है. तो वहाँ पर हम कहेंगे कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी. अब हमें पता होना चाहिए कि जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसमें एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकते. सिर्फ अगर हमारा मोनो एटॉमिक गैस का केस था तो उसमें एटम जो है मूव कर सकते थे, पर जब हमारा कोई मॉलिक्यूल के रूप में मतलब मॉलिक्यूल आ गया तो एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंट, उनका मोशन जो है वो ख़त्म हो गया. एज अ मतलब होल द मॉलिक्यूल विल एग्जिबिट मोशन. ठीक है ना, पूरा मॉलिक्यूल ही जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस इसके अलॉन्ग जो है मूव करेगा, ना कि उसके इंडिपेंडेंट एटम्स. तो हम कहते हैं इसका मतलब मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो एक तरह से क्या है? इट इज़ द मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास. क्योंकि मॉलिक्यूल ही पूरा मोशन कर रहा है,
जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकन एज मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, वह पॉइंट जहाँ पे कि मॉलिक्यूल का सारा मास कंसंट्रेट होता है उसको हम उसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, और उसके अलॉन्ग ही मॉलिक्यूल जो है वो मोशन करेगा। ठीक है अब बच्चों, हाँ तो हमने मोनोएटमिक केस का आपको बता दिया कि वहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होंगे और तीनों ट्रांसलेशनल होंगे। अब अगर हम केस ले डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल में सपोज हम ले रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आपके जो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन एटम हैं, वो आपस में एक दूसरे से जो है बॉन्डिंग है उनके बीच में, तो ये एक तरह से डाई एटोमिक आपका मॉलिक्यूल है। अब इसमें बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है, हमने कहा मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो उसके सेंटर ऑफ मास के हिसाब से होगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसके अकॉर्डिंग अब जब रोटेशन हो रहा है तो वो हम इस प्रकार से देखते हैं। अब इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जब रोटेशन होता है तो आपके पास जो है वो हमारे पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये आपके पास माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है और ये माइनस जेड है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल है वो जिस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा वो एक्सिस जो है उसके अलोंग रोटेशन नहीं होगा। जब घूर्णन की बात कर रहे हैं हम, तो घूर्णन जिस एक्सिस में मॉलिक्यूल है उसके अलोंग नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमें पता है E is equal to half I omega square, यानी कि जब I जीरो हो गया तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा मोशन, रोटेशनल मोशन, और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बच्चों रोटेशन केवल आपके Y और Z एक्सिस के अलोंग होगा अगर हमारा मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या है, X है। तो यहाँ पर जब हम बात करें तो ट्रांसलेशनल तो कितने होंगे, तीन ही होंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है मॉलिक्यूल मूव कर सकता है, और रोटेशन आपके पास दो हो जाएंगे। ठीक है, और वाइब्रेशनल जो मोशन है वो लीनियर मॉलिक्यूल है ये, तो 3n-5 के बराबर होता है, और आपके टोटल एटम्स कितने हो गए इसमें, 6-5=1। तो हमारे पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है, 3n होती है, और यहाँ पर n का मान क्या है, एटम्स की संख्या दो है, तो 3×2=6 है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसमें से 3 जो है वो ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है और 1 वाइब्रेशनल है। तो इस प्रकार से हम कोई भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें हम बता सकते हैं कि 3 ट्रांसलेशनल होगा, 2 रोटेशनल होंगे और 1 वाइब्रेशनल होगा। अब अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केसेस लेते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो दो में हम डिवाइड करेंगे, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर मॉलिक्यूल बच्चों जिसका जैसे अपना CO2 है, ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और जैसे हमारा हाई वाटर है ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम इन दोनों को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम CO2 मॉलिक्यूल अगर देखें तो CO2 मॉलिक्यूल में बच्चों कितने एटम्स हैं, 3 एटम हैं। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगे। अब हमें पता है कि 3 तो ट्रांसलेशनल होंगी, अब इसमें जो है रोटेशनल वापस से क्या हो जाएंगी, रोटेशनल जो है वो 2 रहेंगे। हम CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो कि एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल 3 हो जाएंगे और रोटेशनल जो है लीनियर मॉलिक्यूल है, तो ये एक तरह से इट विल बी लाइक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें जो रोटेशन होगा, घूर्णन होगा, वो दो एक्सिस
कि अलोंग ही होगा एक्स और वाई, जेड एक्सिस अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस है, अगर आपका मॉलिक्यूल जो है जेड एक्सिस पर है तो वो केवल रोटेशन कौन से एक्सिस पे होंगी, एक्स और वाई एक्सिस पर होंगी। अगर जेड एक्सिस आपका मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो एक्स और वाई इसके अलोंग ही रोटेशन होगा, ठीक है। तो रोटेशनल दो हो गए और वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे, 3n-5। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 3n-5 होता है और नॉन लीनियर के लिए 3n-6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपके पास टोटल एटम 3 है तो 3 × 3 9-5 = 4, ठीक है। आप बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम ये जो चार वाइब्रेशनल मोशन की बात कर रहे हैं ये क्या है, CO2 मॉलिक्यूल जो है वो चार वाइब्रेशनल मोड्स, मतलब चार वाइब्रेशनल मोशन उसमें होते हैं। कौन कौन से, एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और दो बेंडिंग। तो एक इस तरह से इसके पास चार वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। CO2 जो है अगर उसमें एक जैसी स्ट्रेचिंग है, बराबर स्ट्रेचिंग है अगर उसमें, तो वो हो गई सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और अगर उसमें अनइक्वल स्ट्रेचिंग है, बराबर स्ट्रेचिंग नहीं है, तो वो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है। और अगर इसमें ये जो है बेंडिंग, दो वाइब्रेशंस इसमें बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं कि CO2 में ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 4 होते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा हो गया लीनियर का। अब हम नॉन लीनियर का एग्जांपल लें, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल हमने आपको बताया कि ये बी शेप्ड मॉलिक्यूल होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसकी जो शेप है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जिसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो है ये टेट्राहेड्रल ना रह के बी शेप में हो जाता है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। बच्चों हम CH4 पढ़ते हैं वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बोलते हैं, पर वाटर को हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ना बोलते हैं, वी शेप्ड मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के कारण। अब बच्चों इसका अगर हम देखें तो ट्रांसलेशनल तो 3 हो जाएंगे, वही मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल xyz एक्सिस पे जो है वो मोशन कर सकता है। अब इसकी रोटेशनल आप देखिए। अब बच्चों नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है वो कभी भी कोई भी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, वो किसी एक एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, इसलिए उसकी रोटेशन जो है वो तीनों एक्सिस पे हो सकती है। तो यहाँ पर रोटेशनल भी 3 हो जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक्सिस पे उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 0 नहीं होगी। तो वाइब्रेशनल कितनी बच गई, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-6, यानी कि आपका 9-6 = 3। तो इसमें 3 वाइब्रेशनल मोड्स आपके होंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें, C2H2 जो कि क्या है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल है। एसिटिलीन मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल की तरह ही है, लीनियर मॉलिक्यूल है C2H2, ठीक है ना, ये हमारा एसिटिलीन मॉलिक्यूल है C2H2। तो यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, 3n टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एसिटिलीन मॉलिक्यूल है ये C2H2, एसिटाइलीन
मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में, तो यहाँ पर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 × 4 12 इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो उसमें से ट्रांसलेशनल कितनी हो गई, 3 हो गई। अब रोटेशनल, क्योंकि ये क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है और ये भी CO2 की तरह जो है वो एक तरह से डायटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह ही रहेगा, तो इसका रोटेशनल भी 2 हो जाएगा और इसका जो वाइब्रेशनल है वो कितना हो जाएगा बच्चों, लीनियर मॉलिक्यूल है ये, तो 3n-5 यानी कि 3 × 4 − 5 दैट इज 12 − 5 इज 7। तो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन का, ये जो वाइब्रेशनल मोशन है, अलग अलग जो हम देख रहे हैं, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 4 आ रहा है, किसी का 7 है, इनको हम आगे जब IR पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल पढ़ेंगे, उसमें हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे। अब हम बेंजीन मॉलिक्यूल देखें, तो बेंजीन मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, 3n। अब कितने एटम्स हैं इसमें, 6 + 6 = 12, तो 3 × 12 = 36। तो टोटल इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएंगी, 36। अब 36 में जो है ट्रांसलेशनल हो जाएंगी 3, रोटेशनल, अब बच्चों नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ये, तो यहाँ पर रोटेशनल कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, क्योंकि ये कोई भी एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, इसलिए इसकी रोटेशनल जो है तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे हो जाएगी। और वाइब्रेशनल कितनी हो गई बच्चों, 3n-6, तो कितनी हो गई आपकी, 3n तो कितना था, 36, 3 × 12 = 36 − 6, तो इसकी वाइब्रेशनल जो होंगी वो 30 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को हम देखते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है या डायएटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है तो उसमें लीनियर है या नॉन लीनियर है, उस हिसाब से हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।